दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। मनीष कश्यप के केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। मनीष कश्यप मामले में एक बहुत बड़ी अभी खबर तुरंत पता चला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल जो कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप के जो दो केसों के लिए बेल डाला गया था, बेल के लिए पिटीशन कोर्ट में, तो कहा जा रहा था कि उनका बेल रिजेक्ट हो गया है, मनीष कश्यप को बेल नहीं मिलेगा, मनीष कश्यप को जेल में ही सड़ना पड़ेगा। दरअसल ये एक अफवाह था, मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है। अरे बल्कि तो मनीष कश्यप का अभी तो सुनवाई ही नहीं हुआ है, हियरिंग का डेट है उनका। हियरिंग का डेट कब है बताते हैं आपको, पूरा मामला हम समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मनीष कश्यप के साथ एक और बहुत बड़ा गेम खेला गया और मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट वाला न्यूज को फैलाया गया। क्या है पूरा मामला हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं द सेस क्रिएशन। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद लिखिएगा, वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब मार लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आते हैं मुद्दे पर। दरअसल मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि दिवाली के दिन मनीष कश्यप अपने परिवार के साथ रहेंगे और दिवाली के दिन जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या अपने घर लौटे थे और दिवाली मनाया गया था, उसी तरीके से मनीष कश्यप दिवाली से पहले अपने घर आएंगे, हम लोगों के साथ आएंगे और हम लोग बम फटाके फोड़कर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। दरअसल एक न्यूज जो फैलाया जा रहा था कि मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट हो गया है, पूरी बात आपको बता देते हैं, छोटा सा थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं। मनीष कश्यप पर 3 केस बचा हुआ है, आपको ही मालूम है, बाकी सारे केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है। बचा हुआ है 3 केस, जिसमें से 2 केस जो है ईओयू का बचा हुआ है और 1 केस जो है वो बेतिया का बचा हुआ है। यही सूत्रों के हवाले पता यह चला कि जो ये ईओयू वाला केस है 2, इसी दोनों केस के लिए बेल के लिए कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पिटीशन डाला गया था बेल के लिए, लेकिन कहा जा रहा था कि जो कोर्ट है बेल रिजेक्ट कर दिया है, अब मनीष कश्यप को बेल नहीं मिलेगा और मनीष कश्यप को जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन यह बात झूठा निकला, यह बात एक अफवाह निकला, बल्कि मनीष कश्यप का जो ये 2 केस है इसका सुनवाई 30 को है, यही 30 अक्टूबर को, और उसके 2 बाद फिर एक सुनवाई है उनका जो केस 1 बेतिया वाला है। मतलब कि अभी जो मामला 3 जो बचा हुआ है मनीष कश्यप पर, उसका हियरिंग है, सुनवाई है 30 को, 2 बाद उसका। मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है। तब आप सोच रहे हो कि जब बेल रिजेक्ट नहीं हुआ तो यह अफवाह शुरू कहां से हुआ, मैंने भी वीडियो बनाया और भी कुछ हमारे चैनल वाले भाई लोग बनाए, तो दरअसल वीडियो कहां से बनाया अब वो समझ लीजिए। हुआ ये कि जो वो 2 केस का बात, जो जिसका बेल रिजेक्शन वाला बात हो रहा था, दरअसल जो केस करने वाला आदमी था ना, जो केस किया था, वह लाइव आके बोला था कि मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट हो गया है। और दरअसल कि अब वो तो बोल दिया कि मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट हो गया, अब वो केस किया है तो उससे जुड़ा हुआ रहा होगा तो इसलिए बोला, और उसी के आधार पर न्यूज वाले लोग बोल दिया कि मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट हो गया। और जब अब बात यह होता है कि जब किसी का बेल का रिजेक्शन होता है या बेल के बारे में कुछ भी होता है, तो एक ऐप है जिसमें आप लोग किसी भी केस का नंबर डाल करके देख सकते हैं कि उस केस का क्या भी स्थिति है, सिचुएशन है। तो उस समय अपडेट नहीं हुआ था, मतलब वो जो एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसको कितना, कौन सा केस में अंदर है, बेल मिला नहीं मिला, कितना दिन से, सब कुछ डिटेल बताता है। तो उस एप्लीकेशन में उस दिन कोई डिटेल्स नहीं था, अब उस दिन उपलब्ध नहीं था डिटेल, तो इसलिए सब लोग उसी का बात सच मान लिया कि मनीष कश्यप को बेल रिजेक्ट हो गया, मनीष कश्यप को बेल नहीं मिलेगा। लेकिन आज बताया जा रहा है कि जब उस एप्लीकेशन को देखा गया, उस एप्लीकेशन में जाके मनीष कश्यप का जो केस बचा हुआ है उस केस का नंबर डाल के देखा गया, तो उसमें बेल रिजेक्शन का कोई बात नहीं है, बल्कि 30 को सुनवाई का बात हो रहा है। चलिए, मनीष कश्यप के जो एक गाँव के ही हैं और बहुत अच्छे वकील जी हैं, एसके पंकज जी, उनको सुनिए, वो पूरा मामला जो है आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए क्या बोले हैं वकील साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप मामले में एक अफवाह, एक झूठी बात सामने आई। दरअसल मनीष कश्यप पर केस करने वाले एक कंप्लेनेंट ने लाइव आकर के एक वीडियो बना करके और कहा कि मनीष कश्यप के 2 में सिविल कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो चुका है। उन्होंने केस नंबर भी बताया, मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं।
लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या मैसेंजर पर मैसेज करके या कॉल करके सवाल पूछा कि मैं इसका डिटेल बता दूं कि क्या जो बेल रिजेक्ट हुआ है सिविल कोर्ट से मनीष कश्यप का, उसके बाद मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में ही रहना होगा। तो मैंने बताया भी कि मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल चुका है तमिलनाडु के, उसके बाद दो मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पीएस केस नंबर 3/2023 और 4/2023 में उनको पहले से ही बेल मिल चुका है। और सिविल कोर्ट के दो मामलों में जो बेल रिजेक्ट होने की बात मनीष कश्यप के खिलाफ केस करने वाले एक कंप्लेनेंट, एक परिवादी, एक मुदई ने जो कहा था, उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये बेल रिजेक्ट हो भी गया है तो ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ज्यादा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने के बाद में कई मामलों में बेल सिविल कोर्ट से रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट से भी वो बेल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बेल दे देगा और मनीष कश्यप जल्द आजाद हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने पड़ताल किया और जब जिस एप्लीकेशन से, जिस ऐप से मैं केस के डिटेल्स को देख रहा हूं, जब उस पर अपडेट हुआ तो मुझे पता चला मनीष कश्यप का तो बेल रिजेक्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि जिस केस नंबर की बात, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जिस केस नंबर की बात उनके खिलाफ केस करने वाले कंप्लेनेंट मुदई परिवादी महोदय कह रहे थे, उसका जब मैंने डिटेल खंगाला तो पता चला कि अभी तो 30 तारीख को उसकी हियरिंग बाकी है। यानी कोर्ट जब हम लोगों का खुल रहा है 30 तारीख को, तो पटना के सिविल कोर्ट में उसकी हियरिंग होनी है और एक और हियरिंग उसके 3-4 दिन बाद होनी है। और खुश हो जाइए, और ये हम लोगों के लिए जश्न मनाने वाला समय है कि मनीष कश्यप का बेल सिविल कोर्ट पटना से रिजेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, मैंने भी कहा था कि सिविल कोर्ट पटना से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने मुदई के स्टेटमेंट के आधार पर, कंप्लेनेंट परिवादी के स्टेटमेंट के आधार पर, बयान के आधार पर मैंने बताया था कि रिजेक्ट हुआ है, चूंकि उस समय तक मुझे जो है जिस एप्लीकेशन से मैं देखता हूँ उस पर अपडेट भी नहीं था। और लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी इस बात की कहीं रिजेक्ट तो हो तो नहीं गया है, लेकिन पूरी आशा थी कि वैकेशन के बाद जब खुलेगा कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट में ये मामला जब जाएगा सुनवाई में, तो हाई कोर्ट से बेल मिलने की पूरी उम्मीद थी हम लोगों को न्यायपालिका पर। लेकिन अब ये उम्मीद सिविल कोर्ट से ही लग गई है, यानी न्यायपालिका के सिविल कोर्ट जो पार्ट होता है पटना का, उसी से लग गई है। किस ऑनरेबल एडीजे महोदय के कोर्ट में यह केस गया है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोर्ट का नाम लेना या ऑनरेबल जजेस का उस तरह से नाम लेना वो हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन इतना है कि पटना के सिविल कोर्ट के ही एक ऑनरेबल एडीजे के कोर्ट में ये मामला गया है, और उम्मीद है कि वैकेशन के तुरंत बाद उन दो मामलों में भी बेल मिल जाएगा, और बेतिया में भी हियरिंग होनी है उसमें भी बेल मिलेगा। यानी बेतिया और दो मामले जो पटना सिविल कोर्ट में चल रहे हैं उन दोनों में हम लोगों को उम्मीद है कि बेल मिल जाएगा, तीन केस तीनों में बेल मिलेगा, उसके बाद एनए से हटेगा। और बिहार का शेर, सन ऑफ बिहार, बिहारी माँ का लाल अब हम लोगों के बीच में गरजते हुए दिखेगा। फिर मैं वीडियो बंद करने के पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि मैंने भी जो परिवादी मुदई के स्टेटमेंट के आधार पर वीडियो बनाया है, मैंने स्टेटमेंट देखा था मुदई का, मैंने स्टेटमेंट देखा था कंप्लेनेंट का, उस आधार पर मैंने बोला था कि बेल रिजेक्ट हुआ है तो हाईकोर्ट में बेल फाइल होगा और बेल मिल जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है मनीष कश्यप का बेल सिविल कोर्ट से भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। जय हिंद। सुन लिए? तो ये है खेल। मतलब सोचिए किस तरीके से मनीष कश्यप के बारे में अफवाह भी फैला दिया जा रहा है छोटा छोटा। लेकिन जो भी न्यूज, जो भी खबर आ रहा है मेरे पास, हम आपको सरासर सच के सच बताते हैं। अगर आपको लगता होगा कि अगर हम सच बोलते हैं तो वीडियो लाइक मार दीजिएगा, कमेंट में अपना राय विचार भी रख दीजिएगा। बस आज का यही अपडेट है, फिर जैसे कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको दे दूंगा। बस मुझे दीजिए इजाजत, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।